देखिए आज जो पॉलिटिकल जो भी घटनाएं मुंबई में हो रही है उससे ये साफ पता चला है, उसे दिखाई देता है कि भाजपा की और शिवसेना की जो सरकार महाराष्ट्र में है अभी भी स्टेबल नहीं है, इसीलिए उनको अन्य पार्टी के लोगों को लेना पड़ रहा है। शिंदे सरकार में आए हुए जो लोग हैं उनकी कोर्टों में चल रही मामले के ऊपर ये भी इशू हो सकता है, उससे भी ज़्यादा इतनी मेजोरिटी होने के बाद में भी अन्य पार्टियों से लोग लेने की नौबत आती है, इसका मतलब स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली इनस्टेबल है। इसलिए उनको अजीत पवार के साथ एनसीपी के कुछ विधायकों को लेके सरकार गठित करने का ये फैसला उनको मजबूरी में शायद करना पड़ा होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का, आप तो देख रहे हैं कि नांदेड़ में जैसे पहले ही हमारी मीटिंग तय थी, दो दिनों से हमारी नांदेड़ लोकसभा के बारे में मीटिंग चल रही है, कार्यकर्ता पर उत्साह के साथ काम करने के लिए तैयार है। मैंने खुद उद्धव ठाकरे जी से आज यहीं से बात जब पता चला मैंने बात की और हमें आश्वासित किया कि हम कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की मिलके जरूर महाविकास आघाड़ी को आगे बढ़ाकर अपना काम जारी रखेंगे। सवाल जहाँ तक पवार साहब के जो अन्य बचे हुए एमएलए हैं उनके बारे में शरद पवार जी ने फैसला करना है, उनका फैसला रहेगा। आपने बोलना था ना सर, आपकी बात सुनिए, शरद पवार साहब से मेरी बात नहीं हुई है क्योंकि स्वाभाविक है कि ऐसे वक्त में शायद उनको वक्त लगेगा सोचने के लिए, उसने मैंने उनसे भी बात नहीं की है, उद्धव ठाकरे जी जरूर मेरी बात।